लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। अब देखें यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के डेफिनेशन देखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के डेफिनेशन देखो यहां पर, अगर यहां पर ये अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है तो डेल्टा एल इक्वल होता है अल्फा एल1 डेल्टा टी के। तो अगर एल1 डेल्टा टी को शिफ्ट करेंगे तो एल1 और डेल्टा टी दोनों यहां मल्टीप्लिकेशन पर है, दोनों के साथ आ जाएंगे लीनियर, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल1 डेल्टा। अब इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, डिफाइन इसको इस तरह कर सकते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बट पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बट डिग्री राइज इन टेंपरेचर। यानी कि इसको समझे कि अगर एक रॉड लिया जाए, चाहे सपोज अगर किसी का भी हो आयरन को, अब उसके लेंथ 1 मीटर है, तो अगर उसके लेंथ 1 मीटर और पर डिग्री राइज इन, यानी उसका अगर टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाया जाए, तो उस 1 मीटर लेंथ का जितनी 1 मीटर लेंथ की जितनी एक्सपेंशन होगी, उसके जितना लेंथ इंक्रीज होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। यानी 1 मीटर लेंथ रॉड का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें जो जितनी एक्सपेंशन होती है, उसके लेंथ में जितना ज्यादा इजाफा होता है, उस एक्सपेंशन को, उस इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब उसको हम इजीली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेक्शनल चेंज इन लेंथ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। डिफ्रेक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि अगर डेल्टा एल को एल1 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी चेंज को अब उसके ओरिजिनल लेंथ चेंज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जो चीज अब हासिल होगी वो फ्रैक्शन में हासिल होगी। और पर डिग्री, डेल्टा एल मतलब चेंज इन टेंपरेचर, पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर, तो पर डिग्री फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है 1/केल्विन, 1/केल्विन। अगर केल्विन को नीचे से ऊपर ले जाए, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो पावर प्लस 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पावर माइनस 1, तो केल्विन इनवर्स। अब इसी तरह देखें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी वन डेल्टा टी, तो देखिए यहाँ पे बीटा जो है वो वी वन डेल्टा टी जो है मल्टीप्लाई शिफ्ट के अंदर दोनों का करेंगे डिवाइड पर, तो देखिए यहाँ पर इसके जो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए यहाँ पर इसकी भी एसआई यूनिट होगी 1/केल्विन, ठीक है। अब इसको जब नीचे से ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा कि पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, केल्विन इनवर्स। तो ये दोनों की जो डेफिनेशन है तकरीबन सेम है, एक में हम कहेंगे डिफ्रेक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और एक में हम कहेंगे डिफ्रेक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।